हेलो दोस्त, आपका PBR स्टडी पर स्वागत है। आज हम आप सबको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित, बेलन, गोला और शंकु पर। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है बेलन। बेलन पे आधारित हमें पूछता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। ये तीन क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो हम पहले यहाँ जानेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। पहले जानेंगे वक्र पृष्ठ बेलन का क्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है, ये हमारा मार्कर है, इसमें आपको दिख रहा होगा जो ये बाहर का पृष्ठ है चारों ओर, यही हमारा क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ। क्योंकि ये मार्कर भी किस बेलन के आकार का ही है। तो जो हमारा ये चारों ओर पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यही हमारा क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πrh। फिर आता है हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ में कुछ नहीं है, वक्र पृष्ठ रहता है। बेलन का ये वक्र पृष्ठ रहेगा और दोनों सिरों का क्षेत्रफल, अर्थात नीचे का भी क्षेत्रफल और प्लस ऊपर का भी क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ हो जाता है। संपूर्ण पृष्ठ होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ये हमारा होता है संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ हमारा क्या मिला है, 2πrh, 2πrh और प्लस 2 आधार क्या होता है, आधार वृत्त के आकार का होता है। आधार किसके आकार का है, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr2। तो यहाँ से 2π कॉमन लेंगे और r भी कॉमन लेंगे तो मिलेगा h+r। ये हमारा होता है क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh+r। फिर तीसरा बचता है बेलन का आयतन। आयतन बचता है तो आयतन होता है बेलन का πr²h। आयतन हो जाएगा हमारा πr²। ये हुआ बेलन। इसके बाद आता है आपका शंकु। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ होता है πr². संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ πr² प्लस आधार का क्षेत्रफल πr². तो हो जाएगा πr कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पाई है, यहाँ भी पाई है, r एक यहाँ भी है, यहाँ 2r है, दोनों में कॉमन मिलेगा तो यहाँ l बचा और यहाँ r बचा। तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्या हुआ, πr² हुआ। फिर आता है आयतन। आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h होता है, 1/3 πr²h। ये हमें किसका है, शंकु का। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr². वक्र पृष्ठ क्या हुआ शंकु का, ये शंकु का ये वाला भाग दिख रहा है, इस भाग के जो चारों ओर आपको क्षेत्रफल मिलेगा वही हमारा वक्र पृष्ठ है। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ में होता है वक्र पृष्ठ तो होता ही है प्लस आधार का क्षेत्रफल, जो नीचे वाला भाग होता है वो भी लिया जाता है, संपूर्ण पृष्ठ है हमारा ये। आयतन, आयतन इसका क्या होता है, 1/3 πr²h। यल क्या है, यल है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये हमारा यल है। यच क्या है, शंकु की ऊंचाई है, और आर क्या होता है, आर हमारा त्रिज्या है। तो यहाँ से एक सूत्र और बन जाता है, यल बराबर अंडर रूट h² प्लस r²।
इसका इस्तेमाल तभी करना है जब हमें कोई दो मान दिया होगा, एक मान निकालना होगा। अगर ऊंचाई और त्रिज्या दिया है तो हम यहाँ से तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। तिर्यक ऊंचाई त्रिज्या दिया है तो ऊंचाई निकाल लेंगे। अगर ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दिया है तो हम त्रिज्या निकालेंगे, अर्थात दो वैल्यू दिए होने पर एक वैल्यू का मान हम यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। तीसरा होता है गोला। तो गोले का वक्र पृष्ठ होता है, इसका वक्र पृष्ठ होता है 4πr², इसका संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ एक ही होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ एक ही होता है। गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3πr³। गोले में क्योंकि ऊंचाई नहीं होती, जो उसकी ऊंचाई होती है उसके व्यास के बराबर होता है। गोले की ऊंचाई उसके व्यास के बराबर होता है, इसलिए उसमें त्रिज्या ही उसकी क्या ऊंचाई का काम करता है। ये हमारे सूत्र हुए जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, बेलन, शंकु और गोला। बेलन में आर त्रिज्या है, यच क्या है बेलन की ऊंचाई, जो ये दिख रहा है ये बेलन की क्या है ऊंचाई है, आर इसकी क्या होगी त्रिज्या होगी। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr h + r और आयतन होता है πr² h। अब हम इन सूत्रों से संबंधित यहाँ पर सवालें देखेंगे। हमारा सवाल है, पहला सवाल करा, एक लंबवृत्ति बेलन की त्रिज्या 7 सेमी तथा ऊंचाई 14 सेमी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ भी पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ भी पूछा है और आयतन, तीन के तीनों पूछ लिया है। तो इसमें पहले हम वो चीज़ निकालेंगे जो हमें पहले से ज्ञात है, मालूम क्या है प्रश्न में। मैथ एक ऐसा विषय है कि उसके प्रश्न में ही उसका उत्तर होता है। अगर उसके प्रश्न में से उसका उत्तर निकालना आप अगर जान गए तो मैथ बिल्कुल ही आसान होता है। तो पहले हम यहाँ से निकालते हैं कि क्या चीज़ हमें मालूम है। तो मालूम क्या है, बेलन की त्रिज्या मालूम है, बेलन की त्रिज्या आर होता है, ये क्या मालूम है 7 सेमी। और क्या मालूम है हमें, ऊंचाई मालूम है। तो बेलन की ऊंचाई यच मालूम है कितना है 14 सेमी। ये दो चीज़ हमें पहले से मालूम था, हमने इसे लिख लिया। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ। तो आओ हम निकालते हैं वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ इसका सूत्र होता है, अभी अभी बताए थे इसी वीडियो में जस्ट पहले, 2πr h। ये बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। जब बेलन का वक्र पृष्ठ हुआ 2πr h, अब हमें यहाँ पर होना क्या चाहिए, मिलना क्या चाहिए। 2 एक क्या है, संख्या है। पाई का मान हमें मालूम है 22/7 होता है। आर और यच मालूम होने चाहिए, और यहाँ देख रहे हैं कि प्रश्न में दोनों मालूम है, बेलन की त्रिज्या भी मालूम है और बेलन की ऊंचाई भी मालूम है। इसका मतलब इस हमें जो चाहिए इस प्रश्न के लिए वो हमें मालूम है। कुछ नहीं करेंगे, वही मान उठाकर यहाँ रख के हल कर लेंगे। तो 2 × π का मान होता है 22/7, आर का मान 7 है और ऊंचाई कितना है 14 है। तो 7 से 7 कटेगा, 22 × 44 × 14, 14 × 56 की 6 + 5 14 × 56 और 5 = 61, इतना क्या semi² क्योंकि वक्र पृष्ठ है और वक्र पृष्ठ का मात्रक semi² होता है। कैसे, यच किस में है सेमी में है, आर किस में है सेमी में है, दोनों आर का मान भी सेमी में है और यच का मान भी सेमी में है, और इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, semi² हो जाएगा, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होता है।
इसका मान ना तो सेमीमीटर किसी में नहीं होता है, तो सिर्फ मान किसका है, आर और एच का। तो आर और एच के मान क्या है, सेमी स्क्वायर हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ सूत्र होता है 2πr r प्लस h। अब यहाँ भी हमको जो चाहिए वो मिला है, r का मान चाहिए और h का मान, r का मान 7 है और h का मान 14 है। तो इसको रखेंगे तो 2×22/7, r का मान 7 और ये 7 + 14, ये 7 से 7 कट गया, 22×44 हुआ, और गुड़े ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 14×14=7, 21। इसका गुणा कर लेते हैं, 44 और 21 का क्या होगा, 1 × 4, 1 × 4, 4×8, 4×8, 4×8=12 और 8×1=9, ये आ जाएगा 924 सेमी स्क्वायर। इसका भी मात्रक क्या होगा, सेमी स्क्वायर। ये मात्रक लिखना लास्ट में हम नहीं भूलिएगा, अगर यहाँ गलती कर गए तो एग्जामिनर नंबर आपका काट सकता है, और हो सकता है कि एग्जामिनर सवाल भी काट सकता है, क्योंकि उसे मात्रक भी चाहिए, इसलिए लास्ट में मात्रक लिखना गलती मत करना। यहाँ सेमी में सब मान थे इसलिए सेमी स्क्वायर है, मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में होता तो मिलीमीटर में, जो मात्रक यहाँ रहेगा वही यहाँ पर होगा। अब तीसरा सवाल इसी में कह रहा है, तीसरा सवाल पूछा है कि आयतन ज्ञात कीजिए। तो आओ आयतन निकाल लेते हैं, आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन, आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान जानते हैं 22/7, आर का मान कितना था, 7 है, आर का मान 7 है, तो 7 2 बार, तो 7×7, और एच का मान कितना है, 14 है, तो 1 7 से 1 7 कट गया, 7×14=4, 7×14=15 और गुड़े 14। अब इस 14 का इसमें गुणा कर देते हैं 154 में, तो 4×4=16, 4×5=20, 1×21, 4×1=4, 2×6, 1×4=4, 1×5=5, 1×1=1, 6×5=6, 6×5=11, 1×1=2। इसका हल करेंगे तो क्या इतना सेमी क्यूब हो जाएगा, क्यों, आर दो बार है और एक बार एच है, तो सेमी स्क्वायर इंटू सेमी, और हल कर गुणा करेंगे दोनों का तो क्या होगा, सेमी क्यूब हो जाएगा। ये थे अगला प्रश्न है, करा एक लंबवृत्ती बेलन का वक्र पृष्ठ 616 सेमी स्क्वायर है तथा ऊंचाई 14 सेमी हो, तो बेलन की त्रिज्या बताइए। ज्ञात हमें क्या करना है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है। जो दिया है, हमने पहले कहा कि जो दिया है उसको और लिख लेते हैं, दिया क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है, 616 सेमी स्क्वायर, ये हो गया। और क्या दिया, बेलन की ऊंचाई दिया है, बेलन की ऊंचाई है 14 सेमी। ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या निकालना है, तो बेलन की त्रिज्या आर, ये हमें ज्ञात करना है। अब हमें यहाँ पर वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, तो वक्र पृष्ठ जब दिया है तो हम वक्र पृष्ठ वाला सूत्र लगा देते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr h, और इतने का मान हमें कितना मालूम है, 616 सेमी स्क्वायर, ठीक है। 2×π का मान 22/7, r का मान निकालना है, h का मान 14 दिया है, h का मान 14 दिया हुआ है, तो हम इसको हल करेंगे तो ये 7×1=7, 7×2=14,
ये हल करेंगे तो इधर देखो, दो से इसको काटते हैं तो दो तिहाई छः जीरो दो आठ सोलह, ये आया 308 बराबर 22 गुणे आर गुणे दो। अब इसको फिर से काटते हैं दो से, दो से काटेंगे तो दो एक कम दो, दो पंचे दस, दो चौक आठ, कितना बचा 154 बराबर 22 गुणे आर। अब इस आर बराबर मिलेगा 154 बटे 22, तो 22 का गुणा कितनी 7 बार जाएगा, 22 सत्ते, तो आर बराबर कितना आया 7 सेमी। देख लेते हैं, 7 दूनी 14 एक 15, तो हमारा जो बेलन की त्रिज्या कितनी है वो है 7 सेमी। ऐसे प्रश्न बनाता है, बेलन का वक्र पृष्ठ दे देगा, ऊंचाई दिया रहेगा, त्रिज्या पूछ लेगा। बेलन का आयतन देगा, त्रिज्या दिया रहेगा, ऊंचाई पूछ लेगा। तो जो चीज़ दिया रहे हमें उस वही सूत्र लगाकर और जो मान दिया रहे उसको रखकर हम वो निकालेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेमी है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तीनों प्रश्न इसमें पूछा है, वक्र पृष्ठ भी शंकु का पूछा है, आयतन भी पूछा है और संपूर्ण पृष्ठ भी पूछा है। तो ये शंकु है, अब इसके आधार की त्रिज्या दिया है 3 सेमी, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, आधार की त्रिज्या तो ये वृत्त के आकार का होता है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास होगा, त्रिज्या ये यहाँ से ओ ए बी इसको कह दिया जाए, तो ओ बी जो है ये हमारा 3 सेमी है, ओ बी कितना है 3 सेमी, और ऊंचाई जो दिया है ए ओ ये कितना है 4 सेमी है। तो पूछ क्या रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ मतलब ये किनारे वाला भाग, पूरा जो पृष्ठ होता है ना शंकु, ऐसे देखो टोपी का आकार का, तो जो ये वाला भाग बनता है यही क्या होगा वक्र पृष्ठ, और यही पूछा, और क्या पूछा आयतन पूछा है, आयतन क्या होता है, आयतन शंकु पलट दो, शंकु सीधा कर लो, आइसक्रीम आइसक्रीम आपने देखा होगा खाते हुए, तो जो आइसक्रीम होता है उसमें जो पलट शंकु उल्टा होता है उसका, तो उसका जितना भाग होता है जितना उसमें मटेरियल आ जाए अंदर वही उसका क्या होता है आयतन होता है। और फिर आता है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा इसके किनारे वाला भाग प्लस आधार का क्षेत्रफल जो है, इन दोनों को अगर हम इनका क्षेत्रफल निकाल लें आधार का और वक्र पृष्ठ दोनों जोड़ दें तो वही क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ। तो आओ हम चलते हैं, पहले हमें मालूम क्या है, जो हमें ज्ञात है सवाल से पहले उसको निकाल लेते हैं। तो ज्ञात क्या है, हमें त्रिज्या ज्ञात है, क्या ज्ञात है त्रिज्या, आर ज्ञात है कितना है 3 सेमी, फिर क्या ज्ञात है ऊंचाई ज्ञात है, आगे क्या मालूम है ऊंचाई यच कितना है 4 सेमी, ये दो हो गया। अब हमें कुछ नहीं मालूम, अब जो हमें निकालना है वही क्या पहले पूछ रहा है वक्र पृष्ठ, तो निकाल लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, पाई आर यल तो सूत्र होता है, लेकिन हमें मालूम है आर मालूम है यच मालूम है, यल नहीं मालूम है, तो हम पहले यहाँ क्या करेंगे यल निकाल लेंगे, यल नहीं मालूम है तो यल क्या करेंगे निकालेंगे। तो यल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यच स्क्वायर, तो यहाँ से हम हल करेंगे तो आर का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस यच का मान 4 है, तो 4 का वर्ग हल करेंगे 3 तरीका 9 होगा, 4 चौक 16 होगा, और हल करेंगे तो 25 होगा, बाहर आएगा तो 5 आएगा, यल का मान कितना मिल गया 5 मिल गया 5 सेमी। जब यल बराबर हमें 5 सेमी मिल गया तो उठाकर मान यहाँ रख देंगे, पाई का मान अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो 22/7, अगर देख रहे हैं क्या पाई का मान किसी से कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो नहीं रखोगे तब भी आंसर सही होगा, तो हम पहले देख लेते हैं पाई, आर का मान कितना है 3 है, यल का मान कितना है 5 है, अब क्या पाई का मान 22/7 रखेंगे,
अगर नहीं दिया है तो, अगर दिया होगा तो रखना पड़ेगा सवाल में, लेकिन यहाँ सवाल में दिया नहीं है। सवाल में दे देता है कभी कभी कि पाई का मान 3.14 का प्रयोग ही करें, तब हम 22/7 न रख के 3.14 ही रखेंगे। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ना तो 3/7 से कटेगा ना तो 5/7 से कटेगा, इसका मतलब इसका कटेगा नहीं तो हम पाई का मान नहीं रखेंगे, तब भी हमारा आंसर सही होगा। तो हम यहाँ पाई का मान नहीं रख रहे हैं, तो इसका क्या करें, गुणा कर लेंगे 3 × 5 = 15 पाई सेमी स्क्वायर। ये हमारा क्या मिल गया, बेलन का वक्र पृष्ठ मिल गया। फिर आगे शंकु का वक्र पृष्ठ मिल गया। आगे क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, तो आयतन निकालते हैं। तो आयतन क्या होता है शंकु का, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr³। तो शंकु का आयतन, होता है 1/3 πr²h। यह होता है शंकु का आयतन। तो जब शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h होता है, तो अब हमें यहाँ पर r का भी मान मालूम है, h का मान मालूम है, और l जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, l का मान अभी अभी निकाले थे, उसको मिटा दिए, बैक करके वीडियो देख लीजिएगा। तो 1/3 है, पाई रहने दो, मत रखो, r कितना है 3 है, और 3 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि वर्ग है, इंटू 4 है, h का मान रख दो। यहाँ देखो 1/3 से 1/3 कट गया, बचा कितना 1/3, 4 × 3 = 12 पाई, क्या हो जाएगा सेमी क्यूब, क्योंकि आयतन है और आयतन का मात्रक होता है क्या, इकाई क्यूब। ये मिल गया क्या, बेलन का आयतन। तीसरा प्रश्न इसी में कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो आओ निकाल लेते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर आर प्लस यल होता है, पाई आर, क्योंकि बताए थे कि वक्र पृष्ठ पाई आर यल और आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन ले हुए तो यल प्लस आर बचेगा, यही तो बताए थे। तो यहाँ से क्या मिल गया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर और आर प्लस यल कोष्टक में। तो अब यहाँ पर हम मान रखते हैं यल का मान, अब यहाँ पर जरूर आवश्यकता पड़ेगा, तो हमने यल का मान निकाला था 5, उसको उठाकर रख देंगे। तो पाई में रहने दो, आर का मान 3 है, आर का मान 3 और यल का मान 5 निकाले थे, यल का मान क्या निकाले थे 5 सेमी। तो यहाँ पर क्या होगा, पाई गुड़े 3 गुड़े 5 × 3 = 8, तो हल करेंगे 8 × 3 = 24 पाई सेमी स्क्वायर। इसको आप सब नोट कर लीजिए, जब ऐसे सवाल पूछेंगे तो हमें ऐसे हल करना रहेगा, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। अगला प्रश्न है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है, तो गोले का वक्र पृष्ठ तथा आयतन बताइए। क्या पूछा है, गोले का वक्र पृष्ठ और आयतन, संपूर्ण पृष्ठ गोले का जो होता है वो वक्र पृष्ठ के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ नहीं पूछा है, लेकिन कभी कभी सवाल पूछ लेता है तो वहाँ वक्र पृष्ठ नहीं दिया रहेगा, वहाँ संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा। तो गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तो यहाँ पर दिया क्या है, पहले उसको निकाल लेते हैं। तो गोले की क्या होती है त्रिज्या, त्रिज्या हमें मालूम है, तो त्रिज्या कितना है, आर कितना है 7 सेमी है। पूछा क्या है, गोले का वक्र पृष्ठ, तो सूत्र लगा देते हैं, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 πr², क्योंकि यहाँ पर r ही होता है, ना तो h होता है ना तो l होता है, तो r होता है, इसलिए इसमें त्रिज्या अकेले दिया रहेगा। तो यहाँ से हम r का मान मालूम है, तो 4 π का मान 22/7 रख सकते हो, r का मान 7 है, तो 7 कितनी बार, 2 बार, 7 × 7, तो 1/7 से 1/7 कट गया, 22
चौके 88 होगा और गुड़े 7 होगा। अब इस 7 का 8 में गुणा करते हैं तो 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 8 56 और 56 और 5 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, इतना सेमी स्क्वायर क्या होगा, इतना सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ये मिल गया क्या, गोले का वक्र पृष्ठ। अगला पूछ रहा है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो 4/3 π का मान 22/7, r का मान 7 × 7 × 7, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर r का मान 7 है और यहाँ 3 बार r है, r की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 3r, तो हमने क्या किया 7 को 3 बार लिख लिया। अब 1 7 से 1 7 कट जाएगा, 22 × 4 = 88 हो जाएगा और 7 × 7 = 49 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 88 और 49 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, उसके बाद 3 से भाग करेंगे। तो 88 और 49 का गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो 8 × 9 = 72 की 2 = 7, 8 × 9 = 72, अब 72 में 7 जोड़ देंगे तो 9 होगा, ये 7 होगा, तो क्या हो जाएगा 79 हो जाएगा। फिर आगे क्या करना है, इसी में 4 से गुणा करना है, तो 8 × 32 = 3 और 8 × 32 और 32 × 3 क्या हो जाएगा 35, इसको जोड़ लेते हैं 2 9 2 11, 7 5 12, 1 13 हासिल था, 3 1 4, तो इसका आंसर कितना मिलेगा 43 12/3 सेमी क्यूब। ये हो गया बेलन का, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या आएगा 43 12/3, अगर काटना चाहते हो तो 3 से काट सकते हो, इसको दशमलव में जाएगा या तो अंश बटे हर में लिख सकते हो, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आओ पहले इसका चित्र से देख लेते हैं जो सवाल कह रहा है। कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है और जो उसी त्रिज्या अर्थात 3.5 ही त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित, अध्यारोपित मतलब उस पर रखा हुआ है, तो जैसे ये क्या हुआ, ये अर्धगोला हो गया, इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 है, इसी त्रिज्या इसी अर्धगोले पर शंकु अध्यारोपित है, सेम ऐसे सेम, तो ये क्या हो गया, इसकी जितनी त्रिज्या है उतनी त्रिज्या शंकु की है 3.5 सेमी, ये त्रिज्या हो गया। तो कह रहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, इसमें जो शंकु का वक्र पृष्ठ है, क्योंकि शंकु जो है इस गोले को ऊपर से पूरा पूरा ढक लेगा, अर्धगोला जैसे गेंदा हो आप उसको काट लीजिए आधे पर से और उस पर कोई चीज़ रख दीजिए कि उसको पूरा पूरा ऊपर से क्या हो ढकता हो, तो क्या करेंगे, अगर जो चीज़ ऊपर रखे मान लो शंकुए रखे हैं उस पर, तो जब शंकु उसको पूरा पूरा ढक लेगा तो जो शंकु का कौन सा भाग ऊपर, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बचेगा, ये किनारे वाला भाग, इसका क्षेत्रफल और प्लस इस अर्धगोले का, ये क्या होगा अर्धगोले का क्षेत्रफल, इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरे खिलौने का वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमें शंकु की ऊंचाई मालूम है, नहीं सॉरी खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई मालूम है,
खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेमी, 15.5 सेमी संपूर्ण ऊंचाई है, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक 15.5 सेमी है। तो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई हम निकाल लेंगे। आइए करते हैं। दिया क्या है? शंकु और या ऑब्लिक कर लो अर्ध गोले की त्रिज्या आर कितना है? दोनों की त्रिज्या समान है 3.5 सेमी। जितनी त्रिज्या शंकु की है उतनी त्रिज्या अर्धगोले की है, क्योंकि यहाँ पर देखो कह रहा है कि त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्थात 3.5 ही त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या मिल गई 3.5 सेमी। शंकु और खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दिया है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेमी। तो हमें चाहिए किसकी ऊंचाई? शंकु की। और निकाल लेते हैं शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 15.5 सेमी माइनस 3.5 सेमी। ये 3.5 है क्या? पूरा यहाँ से यहाँ तक 15 है, 15.5 है, 3.5 हमने घटाया क्यों? क्योंकि ये गोला है, अर्धगोला है, और जब अर्धगोला है तो जितनी त्रिज्या 3.5 यहाँ से यहाँ तक है उतनी त्रिज्या तो 3.5 यहाँ से यहाँ होगी, अर्थात गोले की जो ऊंचाई बनेगी वो 3.5 बनेगी। और गोले की ऊंचाई हम पूरे संपूर्ण ऊंचाई में घटा देंगे तो बचेगी किसकी? शंकु की ऊंचाई बचेगी। तो वही हमने किया कि 3.5 हमने क्या किया? संपूर्ण ऊंचाई में घटा दिया। जब घटाएंगे तो 5 में से 5 गए 0 और ये 15 में से 3 गए, कितना बचेगा? 12। तो कितना आ गया? 12 सेमी क्या हो गया? शंकु की ऊंचाई हो गई। अब शंकु की ऊंचाई मालूम हो गया तो और निकाल लेते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले यल निकाल लेते हैं, क्योंकि शंकु के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है या वक्र पृष्ठ उसमें क्या होता है? यल होता है। तो हम पहले यहाँ क्या करेंगे? यल का मान निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं यल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या मिलेगा? यल का मान है, सॉरी एच का मान है कितना? 12। तो 12 का वर्ग करेंगे तो होगा 144 और आर का वर्ग करेंगे, आर है 3.5, तो इसको 3.5 से हटाएंगे तो 12 25 होगा और बटे 10 100 होगा। इसका वर्ग करेंगे तो आएगा कितना? 12 25 बटे 100। इसको थोड़ा हल कर लेंगे, यहाँ पर हल करते हैं, देखिएगा यहाँ हल करेंगे तो क्या मिलेगा? यल का मान इसका इसमें गुणा होगा तो कितनी बार होगा? ये हो जाएगा 144 00+12 25 बटे 100, इतना मिला। अब इसको आगे हल करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, 5 होगा 2 होगा 4 2 6 5 1 बटे 100। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15 625, अब 15 625 इसका वर्गमूल होता है यहाँ निकाल लेते हैं साइड में 15 625, तो 5 से काटते हैं, 5 3 15 5 1 5 5 2 10 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो देखो 2 बार 5 6 30, यहाँ 1 बचा, 5 2 10 और 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 5 1 बचा 12 हुआ, 5 2 10 यहाँ 2 बचा, 5 5 25। 5 से काटेंगे तो 5 2 10 5 25। तो वर्ग कितना आया? 5 5 और यहाँ 25 है तो 5।
पचास पच्चीस पंचे 125, ये आ जाएगा 125 अपान 10। भाग करेंगे तो क्या होगा 12.5 सेमी। यल का मान क्या मिल जाएगा बच्चों, 12.5 सेमी हमारा क्या आ गया यल बराबर। यल बराबर क्या मिल गया 12.5, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल आप पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होगा, हल करना पड़ेगा, इसके लिए घबराइएगा बिल्कुल नहीं। पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इतना समझ में आ गया तो यहाँ पर हम इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ थोड़ा हम रेज कर दे रहे हैं क्योंकि आगे सवाल हल करना है। तो यल का मान हमें मिल गया कितना, यल का मान मिल गया 12.5 सेमी। तो अब जो हमें पूछ रहा है उसका इस्तेमाल करते हैं। पूछ क्या रहा है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा का, चित्र तो आप बना ही चुके होंगे तो यहां पर देखते हैं, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने कहा कि चित्र तो आपने बना चुका होगा, वहाँ पर देखिए चित्र में ऊपर शंकु है तो शंकु का वक्र पृष्ठ अर्थात पाई आर याल। फिर क्या है, नीचे अर्धगोला है तो गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr², तो यहाँ पर आधा है, तो जब आधा होगा तो ये 4 के स्थान पे 2 हो जाएगा, उसका आधा कर दिया जाए, पूरा था तो 4 था, जब आधा है तो 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2πr². तो हल करते हैं, पाई और पाई आर इसमें कॉमन है क्योंकि दोनों समान है, तो यहाँ बचा यल बचा, यहाँ पर 2 बचा और 1 आर बचा, मान सब का रखते हैं, पाई के पाई में रहने दो, आर का मान कितना है 3.5 है, आर का मान रख देते हैं 3.5, यल का मान कितना आया है 12.5 आया है तो यल का मान रख देते हैं 12.5, 2 × आर का मान कितना है 3.5 है, छोटा हो गया थोड़ा बड़ा कर दें, क्या होगा पाई आर यल प्लस 2r, तो यहाँ से हल करेंगे तो पाई रहने दो, r का मान 3.5 रखो, यल का मान है 12.5, 2 × 3.5, तो पाई रहने दो 3.5, 12.5 प्लस 35 × 70 होता है अर्थात आ जाएगा 7, तो इसको हल करेंगे पाई गुड़े 3.5, तो अगर यहाँ पर मान रखना चाहते हो तो रहने दो बाद में रखें, 5 × 12 = 17 हो जाएगा 19.5 हो जाएगा। अब 35.5 को 19.5 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो इसका मान रख सकते हो पाई का मान रखोगे तो आएगा 22/7, तो इसको काटोगे तो आएगा 0.5, तो ये आ जाएगा 22 × 5 से गुणा करेंगे 50 हासिल 2, 5 × 9 = 45, 45 × 2 = 47 हासिल 4, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 9 कितने अंक बाद दशमलव, 1 अंक यहाँ है 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9.75, तो 9.75 में हम 22 से गुणा कर देंगे, 5 × 50 = 5 हासिल 2, 5 × 9 = 45, 2 × 47 = 7 हासिल 4, 5 × 1 = 5, 4 = 9 सही है। अब इसमें गुणा करेंगे तो 5 × 2 = 10 हासिल 1, 7 × 2 = 14, 1 = 15, 9 × 2 = 18, 1 = 19 इसका करेंगे तो वही आएगा 0591, जोड़ देंगे 9 × 5 = 14, 9 × 1 = 10, 11 × 1 = 2 कई अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पर कितना मिला आंसर, इसका आंसर हो गया
214.5 सेमी स्क्वायर, ये मिल गया इसका आंसर 214.5 सेमी स्क्वायर। तो ये हुआ, पूछा क्या था, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे निकालना है, अभी चित्र हमने बनाया था क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले, ये अर्धगोला है ये शंकु है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, दोनों का वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे तो जो खिलौना हमारा बना था उसका संपूर्ण पृष्ठ हमें मालूम हो जाएगा। तो इसको आप सब नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम नया नया वीडियो और उत्साह के साथ डाल। तो आज पर यहाँ यहीं पर क्लास हम एंड करते हैं, फिर आगे मिलेंगे। लेकिन बच्चों, इस वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल को जो नए बच्चे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो नया वीडियो अपडेट होता रहेगा वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आप समय पर नए वीडियो को आप देख सकें। तो आज के लिए धन्यवाद, बस इतना ही।